कुरान शरीफ हिंदी में पढ़ना कैसा है? कुरान शरीफ का तर्जमा तो हिंदी में हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुरान शरीफ का मतन यानी आयत करीमा जो अल्लाह का कलाम है उसके लिए तो अरबी जबान ही खास है और अरबी जबान ही कलाम इलाही के सारे मफहूम को अपने दामन में समेटे हुए है और अरबी जबान ही कलाम इलाही के तमाम मफाहीम और मानी को सही तौर पर अदा कर सकती है। इसलिए कुरान करीम की किताब सिर्फ और सिर्फ अरबी जबान में जायज है, अरबी जबान के अलावा किसी भी दूसरी जबान में जायज नहीं है, चाहे वो फारसी जबान हो, चाहे उर्दू जबान हो, चाहे हिंदी जबान हो, चाहे अंग्रेजी या नेपाली या गुजराती या कोई भी जबान हो, उसमें इसकी इजाजत नहीं है, जायज है सिर्फ और सिर्फ अरबी जबान में जिसमें अल्लाह का ये कलाम उतरा। हाँ, उसका तर्जमा आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, फारसी, गुजराती, मलयालम, तमिल, जिस जबान में चाहे सही तर्जमा होना चाहिए पढ़ सकते हैं, इसकी खुली इजाजत है।